आज आपको यहां पर मैं 13 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं कि जिनसे आप अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से समय को मैनेज कर पाओगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाओगे, ताकि कम से कम समय और कम से कम एफर्ट्स डालकर आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स पा सको। ये डिजिटल आजादी का एक प्रिंसिपल है जिसे हम युक्ति कहते हैं। तो यहां पर मैं आपको 13 टेक्निक्स बता रहा हूं जो आप बहुत आसानी से अपनी एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर समय का सदुपयोग करना चाहते हो तो एक टेक्निक पोमोडोरो की यूज कीजिए। ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है। इसमें आप छोटे छोटे इंटरवल्स में काम करते हैं, एक फोकस्ड टाइम आप तय करते हो, जैसे 25 मिनट, 55 मिनट, 85 मिनट। एक्चुअली रेकमेंडेड टाइम 25 मिनट्स का है, लेकिन मैं पर्सनली 55 या 85 मिनट्स का पोमोडोरो करता हूं। इन 55 या 85 मिनट्स में मेरा मोबाइल साइलेंट डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर होता है और मैं पूरे फोकस के साथ काम करता हूं, बिना कोई सोशल मीडिया चेक किए, बिना कोई नोटिफिकेशन चेक किए, बिना किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व किए। केवल एक मेजर काम पर ध्यान देते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, और जहां 55 या 85 मिनट का हमारा टाइम खत्म हो जाए, वहां पर एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, बेटी से मिल लेते हैं, पानी पी लेते हैं, देखते हैं घर में सब ठीक है या नहीं। एक ब्रेक लेना आपको री एनर्जाइज करता है। अब ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, लेकिन इन पोमोडोरोस की वजह से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम पूरा दिन काम करते हैं और पूरा दिन काम करने के बाद भी हमें ऐसे लगता है कि हमने आज कुछ नहीं किया। तो इससे अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये पोमोडोरो की टेक्निक 100% आपके लिए उपयोगी होगी। सेकंड टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक। हर रोज जो जो आपके काम है, उन कामों में से जो इंपॉर्टेंट काम है, उनके लिए स्पेसिफिक समय डेडिकेट कर दीजिए। जैसे मैं जब सुबह उठता हूं तो मैं आगे एक और टेक्निक बताऊंगा आपको 2 मिनट वाली, मैं सबसे पहले स्ट्रेटेजाइज करता हूं कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं और कौन से समय में कौन सा काम करना है। खास करके मेरे वेबिनार्स, मेरी इनर सर्कल मीटिंग या मेरी जो भी कमिटमेंट मीटिंग्स हैं, उन सभी के टाइम्स फिक्स होते हैं, तो उनको छोड़कर जो मेरे पास समय बचता है वो स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक काम को दे देता हूं। जब इस तरीके से आप स्पेसिफिक एलोकेशन करते हैं और फिर पोमोडोरो को इसमें मिला देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। अपने समय का सदुपयोग करने का ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीका है कि स्पेसिफिक कामों के लिए आप स्पेसिफिक समय को डेडिकेट कर दीजिए। इसे टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक कहते हैं। कम से कम समय खर्च करके ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो प्रायोरिटाइजेशन का उपयोग कीजिए। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो भी आपके दिन के काम है, जो भी पेंडिंग काम है, उसकी एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस, कि एक वो की जो जरूरी है और एक वो जो अर्जेंट है अभी करने हैं, और इनका कॉम्बिनेशन बनाइए। सबसे पहले उन्हें मार्क कीजिए जो अर्जेंट भी है और जरूरी भी है। ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, सबसे पहले ये काम करेंगे। उसके बाद आप वो काम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन शायद अभी इतने अर्जेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस को प्रायोरिटी देंगे। ये आपके सेकंड लाइन के काम हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस आप उन कामों को देंगे जो अर्जेंट हैं लेकिन शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो बचते हैं ऐसे काम जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हो सके तो इन्हें ना करें, इन्हें डेडिकेट करें, डेलीगेट करें अपनी टीम को, या आउटसोर्स करें और किसी और से करवाएं, अपना समय इनमें ना गंवाएं। समय एक्स्ट्रा बचता है तो इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा एक बार समझा रहा हूं, प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है कि अपने दिन में जितने काम हैं उन्हें इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। पहली कैटेगरी है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट काम, इन्हें सबसे पहले करना चाहिए। सेकंड आप वो काम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन शायद अर्जेंट नहीं है,
लेकिन इंपॉर्टेंस को आप प्रायोरिटी देंगे ओवर अर्जेंसी। तीसरे, आप वो काम करेंगे जो अर्जेंट है लेकिन शायद कम इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट, जो ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इनमें हो सके तो अपना समय जाया ना करें। ये किसी और से करवाएं, टीम से करवाएं, डेलीगेट करें या फिर आउटसोर्स कर दें। इस तरीके से अगर आप प्रायोरिटाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। नेक्स्ट, समय का सदुपयोग करने के लिए हमेशा टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करें। जितने काम आपके पेंडिंग हैं, हमेशा उनकी एक लिस्ट बनाकर रखें। मेरे पास यहां मेरे टेबल पे जो डायरी है, इसमें हमेशा एक लिस्ट चलती ही रहती है, वो कभी रुकती नहीं। जितने काम हो जाते हैं उन्हें मैं टिक मार्क कर देता हूं और जो नए काम आते हैं वो उस लिस्ट में ऐड होते रहते हैं। और अपने कामों को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कीजिए ताकि आप उन्हें जब टिक मार्क करने लगते हैं तो आपको आपकी प्रोग्रेस दिखाई देती है। टू डू लिस्ट के लिए कई सारे छोटे बड़े ऐप्स भी उपलब्ध हैं, या आप अपने फ़ोन में कोई प्लानर या टू डू लिस्ट के कोई फ्री वाले ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, यूटिलिटीज डाउनलोड कर लीजिए। एवर नोट नाम की एक यूटिलिटी है जो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो आई थिंक एप्पल यूजर्स के लिए भी है, और ये एक टू डू लिस्ट चलाता है जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। अपनी प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो एक टेक्निक का आप इस्तेमाल कीजिए जिसे कहते हैं टू मिनट रूल। ये क्या है? तो हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने के लिए हमें 2 मिनट से भी कम समय लगता है। जैसे किसी ईमेल को सिर्फ पढ़ना है और यस और नो में रिप्लाई देना है, या किसी एसएमएस का जस्ट या व्हाट्सएप का जस्ट रिप्लाई हमें भेजना है। कुछ ऐसा होता है जिसे सिर्फ हमें पढ़ना है, कुछ करना नहीं है। छोटे छोटे काम होते हैं, 2 मिनट से कम लगते हैं इन्हें करने में, लेकिन कई बार हम ऐसे कामों को करते नहीं हैं, टालमटोल करते रहते हैं और अचानक से हम देखते हैं कि हमारे पेंडिंग कामों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। मेरी एक आदत है, मैं जब भी एक पोमोडोरो करता हूं और बीच में ब्रेक लेता हूं, नेक्स्ट पोमोडोरो शुरू करने से पहले जब मैं अपने मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह चेक करता हूं, जो भी ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिन्हें 2 मिनट से कम लगने वाला है, सबसे पहले उन्हें करके ख़त्म कर देता हूं। इससे मेरी पेंडिंग लिस्ट जो है ये हमेशा छोटी रहती है और मेरी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई बनी रहती है। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले टाइम ऑडिट करना सीखिए। आप अपना दिन, अपने 24 घंटे कैसे बिताते हैं, किन कामों में कितना समय देते हैं, इसे नोटिस, ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। यह आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि आप अपना समय कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी आदतें हैं आपकी जो आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रही हैं, और ऑटोमेटिकली इस लिस्ट को देखकर आप अपनी इम्प्रूवमेंट खुद कर पाएंगे। कई बार मेरे स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा है कि जब वो एक टाइम ऑडिट की शीट भरते हैं, ऑटोमेटिकली उन्हें समझ में आता है कि उनका समय कहाँ वेस्ट हो रहा है और करेक्टिव एक्शन वो खुद ब खुद ले सकते हैं। इस सिंपल टेक्निक को टाइम ऑडिट टेक्निक कहते हैं। यह आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करने के लिए प्लीज मल्टीटास्किंग करना बंद कर दीजिए। कई बार हमें ऐसे लगता है कि अगर हम एक साथ 2-4 काम करें तो हमारा समय बचेगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। एक समय पर एक काम अगर आप करेंगे तो उस पर फोकस कर पाएंगे, आपके काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी और गलतियां आपसे कम से कम होंगी। ध्यान रखिएगा, किसी काम को करने में जितना टाइम और एनर्जी लगता है, अगर कभी गलती से वो गड़बड़ हो गई तो उसे सुधारने में उससे कहीं ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है। तो फर्स्ट टाइम राइट का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में लाइए। पहली ही बार चीज़ों को सही करने की आदत डालिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मल्टीटास्किंग को इम्पोर्टेंस ना दें। एक समय पर एक चीज़ पर फोकस करना शुरू कीजिए। अपने समय का सदुपयोग करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना शुरू कर दीजिए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि जब आप कंटिन्यूसली स्क्रीन्स पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, मोबाइल पर काम करते हैं, तो बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप ब्रेक लें, डू नॉट शिफ्ट फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। मैंने कई बार ये देखा है कि लोग अपने लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, फिर जब ब्रेक लेते हैं तो लिविंग रूम में जाकर टीवी देखना शुरू करते हैं। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जब हम स्क्रीन से ब्रेक लेते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंडफुल रहें,
कॉन्शियसली ऐसी चीज़ें करें जो आपकी आंखों को और आपके दिमाग को आराम दें। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा खेलिए, आपके घर में अगर कुछ पेट्स हैं तो उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, कोई आपकी हॉबी है, प्लांटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, 5-10 मिनट भी अगर उसमें बिताओगे तो आप फ्रेश महसूस करोगे। और कुछ नहीं तो अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, 5-10 मिनट बेवजह टहल के आ जाइए, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है। जब रूम से बाहर निकलते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिलता है और ये हमारे शरीर के काम करने की कैपेसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस टेक्निक को डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। समय का सदुपयोग करने के लिए हर रोज सुबह 1-2 मिनट का रूटीन फॉलो कीजिए। इस 2 मिनट के रूटीन में पूरे दिन में जो काम करने हैं उसकी लिस्ट बनाइए और उसे प्रायोरिटी वाइज सेट कर दीजिए। मेरी आदत है कि मैं हमेशा मुश्किल सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। इसका मतलब है कि जो भी सबसे कठिन काम होता है पूरे दिन का, वो मैं सबसे पहले करना शुरू करता हूं, क्योंकि ये वो काम होते हैं जिन्हें करने से हम हमेशा टालमटोल करते हैं। और मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था ईट दैट फ्रॉग, जिसमें यह कहा गया था कि आपकी लाइफ का जो भी कठिन काम है या आज के दिन का जो भी कठिन काम है, सबसे पहले उसे कर लो। जैसे ही वो काम आप खत्म करते हो, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी पॉजिटिविटी अलग बैंडविड्थ में चली जाती है और आप बाकी के काम और ज्यादा एनर्जी से कर पाते हैं। 2 मिनट का ये मॉर्निंग रूटीन है। लिस्ट बना लीजिए पेंडिंग कामों की, उसे प्रायोरिटी वाइज सॉर्ट आउट कीजिए, क्लियर प्लान के साथ शुरू कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बूस्ट होती रहेगी। इसे हम 2 मिनट मॉर्निंग रूटीन कहते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो एक बात, एक युक्ति मेरे से सुन लीजिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी का हर काम आप ही को करना है, खास करके तब जब हम नए होते हैं, किसी भी काम को नया नया करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर आदत होती है कि हमें दूसरों पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं होता, हम चाहते हैं कि हर काम हम खुद ही करें। लेकिन ध्यान रखिए कि यह आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए थोड़ा सा घातक होता है। तो जो काम आप किसी और से करवा सकते हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि वो किसी और से ही करवाएं। अपने टास्क आउटसोर्स करना शुरू कीजिए, खास करके वो जो नॉन एसेंशियल हैं। ऐसे टास्क को आइडेंटिफाई कीजिए कि जो आसानी से दूसरों को दिए जा सकते हैं। जब छोटे बड़े काम दूसरे करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास समय बचेगा क्रिटिकल काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कामों को करने के लिए। अपने समय का सदुपयोग करना युक्ति है। डेलीगेट एंड आउटसोर्स वॉट एवर कैन बी आउटसोर्स्ड और डेलीगेटेड। अपने समय का सदुपयोग करने के लिए लर्न टू से नो। अगर कोई मुझे कॉल करे और पूछे, संदीप फ्री हो, मेरा पहला जवाब होता है नो, मैं बिजी हूं। आज से कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। कोई भी मुझे कभी भी फोन करे, कहे संदीप क्या कर रहे हो, फ्री हो क्या, तो मैं कहता हाँ हाँ बोलो। अ बिजी मैन इज ऑलवेज फ्री, ये मेरा एक वाक्य था जो मैं हर किसी को चिपकाता था, लेकिन वो गलत था। गलत किस हिसाब से था कि प्लीज डू नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। चीजों को ना कहना सीखिए। हमेशा इवेल्युएट कीजिए कि जो समय आप किसी और को दे रहे हो, क्या वो समय आपके गोल की तरफ खर्च होने वाले कामों में जा रहा है या नहीं। ऐसे टास्क जो आपके गोल के साथ अलाइन नहीं होते, उनमें कम से कम समय देना शुरू कीजिए। लोगों को पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली, प्यार से ना कहना सीखिए। अगर आप अपने गोल्स और अपने काम को इम्पोर्टेंस देंगे, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। प्लीज लर्न टू से नो। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू बी माइंडफुल एंड प्लीज प्रैक्टिस मेडिटेशन। माइंडफुल से मेरा मतलब है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, उसे ध्यान से, फोकस से और कॉन्सेंट्रेशन से करना जरूरी है। उस क्षण में, उस समय वहां पर मौजूद रहकर उस काम को इंजॉय करते हुए करना बहुत जरूरी है। ये आपका स्ट्रेस कम करेगा, आपका फोकस बढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली आपके मेंटल क्लैरिटी बढ़ती रहेगी। प्लीज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। समय का सदुपयोग करने की आखिरी और सबसे इफेक्टिव टेक्निक जो आज बता रहा हूं, वो है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। कई बार जिंदगी में, कई साल हम काम करते रहते हैं,
करते रहते हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन कभी समय नहीं निकालते रिव्यू करने का कि हम अपनी लाइफ में परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, कितने परसेंट कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है, इम्प्रूव हो सकती है या नहीं। तो अपनी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी में, हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने अपने खुद के काम का, अपने खुद की प्रोडक्टिविटी का रिव्यू लीजिए और अपनी जो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें रीएडजस्ट करते रहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग आप हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, आपकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती रहती है, तो अपनी स्ट्रैटेजीज को भी एडजस्ट करना सीखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये समय बचाने की और टाइम मैनेजमेंट की कुछ बहुत बेसिक और सिंपल स्ट्रैटेजीज आप समझ गए, इन्हें यूटिलाइज करेंगे और इन टेक्निक्स का उपयोग करके अपने समय का सदुपयोग करेंगे।